बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज वीडियो के अंदर हम क्लास 5 मैथ वर्जन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर मेरे पास पार्ट ए के अंदर 50 मार्क्स का पेपर होगा, पार्ट बी 50 मार्क्स का और टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। एमसीक्यूज में देख के सबसे पहले तो मैं जस्ट आपको इनके आंसर बताता जाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तीन वर्जन डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, जो पहला एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, फोर का ऑप्शन नंबर सी, फाइव का ऑप्शन नंबर ए और सिक्स का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, सेवन का ऑप्शन नंबर बी, एट का ऑप्शन नंबर सी और नाइन का बी ऑप्शन नंबर ए जो है वो दुरुस्त जवाब है, टेन का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, इलेवन और ट्वेल्व का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, थर्टीन का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, फोर्टीन और फिफ्टीन का तो सी आंसर है और सिक्सटीन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 17 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 18 का ऑप्शन नंबर सी और 19 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 20 का ऑप्शन नंबर जो सी दुरुस्त जवाब है, 21 का ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 23 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर बी और 25 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट में देखूँ तो मेरे पास पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसके दो पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट जो है वो 5 नंबर का है, दूसरा जो बी पार्ट है वो भी 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ए बी पार्ट है 5-5 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ए बी पार्ट है, 4 के अंदर भी और 5 के अंदर भी, तीनों के अंदर ए बी पार्ट है। तो बारी बारी इनके जो आंसर है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट ए है उसका आंसर आपके सामने ये सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपके साथ ये सॉल्व किया गया है, ये सेम है एज इट इज, आपने इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उससे आपके सामने ये सॉल्व किया हुआ नजर आ रहा है, जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार करना है। ऐसे अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम भी आपके सामने मौजूद है। अगर आप लोगों ने बुक से तैयार किया हुआ है तो आप बुक वाला बी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपके सामने सॉल्व है और उसका जो बी पार्ट है असद जो मिराज को जितना काम किया वो भी आपके सामने ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने ये दिया हुआ है, ऐसे ही जिसका जो बी पार्ट है जो इसके अंदर आपने ट्रायंगल ड्रा करनी थी वो भी आपके सामने ये दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने ये मौजूद है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ऐसे जो बी पार्ट है ग्राफ वाला वो भी आपके सामने मौजूद है। अब इस बी पार्ट के फर्दर आगे 3 पार्ट थे तो इनके जो आंसर है वो आपके सामने ये मौजूद है। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर बी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी 50-50 नंबर का जो दो पार्ट है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें भी मैं आपको जस्ट इसके आंसर बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो दुरुस्त जवाब है, 2 का ऑप्शन नंबर सी, 3 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 4 का ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर बी, 6, 7 और 8 तीनों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 9 और 10 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 11 का ऑप्शन नंबर डी और 12 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 13 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 14 का ऑप्शन नंबर डी और 15 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 16 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 17 का भी बी ही दुरुस्त जवाब है, 18, 19, 20 तीन को ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 21 और 22 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 23 एंड 24 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है और 25 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हम इसके पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी दो पार्ट है, 4 के भी दो पार्ट है और 5 के भी आगे फर्दर दो पार्ट है। तो बारी बारी इनके आंसर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, ऐसे ही जो बी पार्ट है उसका आंसर भी आपके सामने ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो सॉल्व है आपके सामने आपने इसे तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है फिर आपने फैक्टराइजेशन करनी है उसका आंसर भी आपके सामने ये दिया हुआ है। उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी ये आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये मौजूद है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ऐसे आपने जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसको आपने सॉल्व करना है जो आंसर आपके सामने दिया हुआ है, ऐसे बी पार्ट इसके अंदर आपने ट्रायंगल को जिसके अंदर आपने एरिया निकालना था वो भी आपके सामने ये सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने मौजूद है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो भी आपके सामने ये दिया हुआ है चॉकलेट्स वाला जिसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट वर्जन नंबर सी आ जाएगा, वर्जन नंबर सी में जो क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू नंबर डी है वो दुरुस्त जवाब है, 2 का ऑप्शन नंबर सी और 3 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 4 का ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 6 का ऑप्शन नंबर डी है, 7 का ऑप्शन नंबर बी और 8 का और 9 का दोनों का एमसीक्यू नंबर सी जो है वो दुरुस्त जवाब है, 10 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है,
11 का ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर बी और 13 का ऑप्शन नंबर डी है दुरुस्त जवाब। 14 का भी ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। 15 का ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर सी और 17 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 18, 19 दोनों का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 20 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। 21 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 22 का ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर डी और 24 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 25 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट अगर हम इसके बी पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी दो पार्ट है, 3 के भी दो पार्ट है, 4 और 5 के भी दो पार्ट है और 5 के आगे फर्दर जो है बी पार्ट के 3 एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इनके आंसर भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व हुआ, आपके सामने मौजूद है। बी पार्ट का जो आंसर है वो उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने मौजूद है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीन शॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार करना है। बी पार्ट का जो आंसर है वो आपके सामने ये दिया हुआ है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने ये मौजूद है सॉल्व हुआ, और ऐसे ही जो बी पार्ट है उसका जो आंसर है वो भी आपके सामने ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने दिया हुआ है जिसको आपने सॉल्व करना है, ऐसे बी पार्ट के अंदर ट्राइंगल आपने ड्रा करनी थी वो भी मौजूद है। 5 का जो ए पार्ट है वो भी आपके सामने दिया हुआ है, ऐसे इसका जो फर्दर बी पार्ट है वो भी आपके सामने ये दिया हुआ है और इसके जो एक्स्ट्रा 3 पार्ट थे तो वो भी आपके सामने ये दिए हुए हैं। ये था मेरे पास मैथमेटिक्स क्लास 5 के वर्जन नंबर ए बी एंड सी।